तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति से बीड़ी मांगी जाती है और वो जब कहता है कि मेरे पास बीड़ी नहीं है तो उस व्यक्ति को चाकू मार दिए जाते हैं। उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, किस बात को लेकर चाकू चले हैं? बस ऐसे जी, कोई लड़ाई तो है नहीं थी इनके साथ जी। हाँ, बस ऐसे भेड़ चटाने जा रहे थे जी वो मेरे बाप के साथ। तो पहले वापिस भेज दिया मेरे बाप ने जी। हाँ, तो भेजे पीछे जी अपना, तो बोले खा पी रहे थे जी। चाकू मारे किसने है? ये जारे लड़के ने मारे। किस बात को लेकर मारे? बस ऐसे ही मैं पेय खा रहे थे जी। अच्छा, तो उन्होंने उस पर बीड़ी मांगी होगी जी। हाँ, भाई फिर संदीप का था जी। अच्छा, तो उन्होंने बोले भाई मेरे पास बीड़ी नहीं है। हाँ, तो मतलब बीड़ी को लेकर चाकू चल गए। हाँ जी। हाँ, तो इन्होंने कह दिया बहन तो बीड़ी ले रहा ले, तो ऐसे ऐसे करके। छोटी सी बात थी बीड़ी को लेकर। अभी कैसी है तबीयत, कैसी है उनकी? देख सकते हैं क्या कुछ हमारे पास अभी इवेंट आया, भाई कुटियल का लड़के के चक्कू मार दिए और कल्पना चावला में आए। हमने तुरंत इनको उसकी हालत देखी है, तुरंत भर्ती करवाया है। हालत उसकी अभी नाजुक बनी हुई है। दो तो चक्कू नीचे गंभीर जा रहे, चार पांच चक्कू, यहाँ छह सात चक्कू मार रखे हैं। अच्छा, छाती पे चक्कू मार रखे। उम्र कितनी है सर इसकी? उम्र इसकी 35 साल है। तो क्या ये मतलब नशा वगैरह ले रहे थे ये? दूसरे जिन्होंने मारा है वो दारू पी रहे थे, चार पांच ये बता रहे हैं भाई, चार पांच भाई बैठे हुए थे दारू पी रहे थे। उसने कहीं बीड़ी मांगी, वो बोला भाई मैं बीड़ी पीता ही नहीं तो आपको कहाँ से दूंगा। नोला हम तेरा चक्कू मार दे। नोला भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को चक्कू क्यों मार रहे हो? नोला उसने इतनी बात कही, इतनी देर में उसके छह सात चक्कू मार दिए और मार के चक्कू उसको खेत से उठा के पंचायत घर में फेंक दिया। पंचायत घर अपने कुटेल के पास घेर दिया। सर हालत कैसी है जी? हालत नाजुक बनी हुई, मतलब बीड़ी को लेकर चाकू मार। बीड़ी को लेकर वो दारू पी रहे थे। हाँ, उसने बीड़ी मांगी, ये भाई बीड़ी पीता नहीं। अच्छा, इस बात को लेकर चाकू मार। इसी बात कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुटेल गांव के रहने वाले हैं। आप लोग देखा, आप लोगों ने वैसे कितने चाकू के मारे? बुरा हाल है, छाती पेट पे कह रहे चाकू मारे हुए सबसे ज्यादा। बहुत बुरा हाल है जी उसका। बात क्या हुई थी? बस एक अपने पापा के साथ गया था जी वहाँ पे, लड़के खा पी रहे थे जी, उनके दौरा खड़े हो गया। खड़े होने के बाद उन्होंने बीड़ी मांग ली, उनपे बोले भाई एक बीड़ी दे दे। वो बोले भी मम्मी नहीं देंदे बीड़ी। अच्छा, फिर बोले चल नहीं देंदे, नहीं सही। अच्छा, फिर बोले भाई मम्मी तेरा चक्कू मार देंगे। तो ये बोले यार मेरा चक्कू मारेंगे। इतने में कहते कौन थे जिसको तो चक्कू ही मार दिए? गाँव के ही है जिन्होंने? हाँ जी, गाँव के ही है जी। क्या उम्र है उनकी जिन्होंने मारे हैं? एक तो वो लड़का जो 20-22 साल का ही होगा जी, बंजारे का लड़का। तो और नाम जान देने। क्या काम करते हैं आप? क्या लगते हैं जिसको चाकू लगे हैं? वो तो भाई मार के है जी, मारने कुछ लगते नहीं। नहीं, जिसको लगे हैं उसकी महल में भाभी हो जी। भाभी हो आप? तो क्या उम्र है आपके देवर की? 35-36 साल होगी जी। पुरानी बच्चे भी हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे। एक लड़की। पुरानी भी कोई लड़ाई थी? नहीं जी, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं थी। जानते हैं उसको? हाँ जी जानते हैं। उसका खुद भाई यार हमारे साथ, उसके भाई बोले भाई मैं तो पहले भी जेड़ में तो छिटवा के आया था इसने, पहले भी ऐसे कांड कर दिया था, फिर कर दिया था। और इन्हें कोई ना तो कैसी हालत है भाई की? बहुत बुरा हाल है जिसका, तो इस रूम में घेर दिया। कितने चाकू लगे? चाकू तो जी ये 2-3-4 तो मारे रखे जी। हाँ जी, हमने तो पता भी नहीं, हमने तेन था बाप गलो जा रहा। पहले इसके तो आंदे आंदे जी वहाँ खा पी रहे थे, पहले इसने यू बुला के इसका बोले बीड़ी दे दे। यू बोले बीड़ी को नहीं है, नुका देवक नहीं बहन चो बीड़ी तो हेले नुका हेले। यू बोले मेरे को नहीं है बीड़ी बाड़ी, पहले इसका तो ठाकर चक्कू मार दिया, नुका चक्कू मार दूंगे। इन्हें पता भी नहीं था असली मार देंगे भाई। हमारे पापा के साथ काम पे जा रहे थे, काम पे तो उसका पापा बोले अभी चल जाएगा सोचा, नाइट की ड्यूटी करता था जी वहाँ। नाइट की ड्यूटी पे जाएगा, अपने पापा के साथ भी करवा दा भेड़ बकरियां ने छटवा दा था। अच्छा, उसका पापा बोले चल भाई इतना मेरे के लिए यहाँ भेड़ बकरियां छटवा दी, घर जाके सोचा सोचा तो रास्ते में वो बंदे मिल गए जी, उन्होंने ले के ऐसे वारदात कर दी। ज्यादा लगे चाकू? ज्यादा लग रहे जी। आपको बातचीत हो रखी है? नहीं जी, कोई वो तो किसी से भी नहीं बोलता जी, इतना फालतू इधर से बंदा, इतना फालतू भी नहीं बोलता, किसी पी खा लो फिर भी किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए।